बच्चों के लिए बेड भी था, लैंप्स भी थे क्लाउड वाले, बहुत ही अच्छा, सारी चीजें डेकोरेशन की थी यहाँ पे। सो हो गए हम लोग रेडी और आ गए हम यहाँ पे मेजरमेंट्स लेने के लिए। ये नए घर की खुशबू और आवाज गूंजती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ के लिए भी है, भी लगवा लो आप। अरे हाँ, ये तो मेरी घर की है। तो दीदी ना बैठा है, इतना प्यार है, ये मिल सकता है ना। तो शुरुआत की हमने हर चीज़ चेक करने से, इन लोगों ने इस तरह से क्यूबिकल्स बनाए हुए, मतलब छोटे छोटे रूम सेक्शंस बनाए हुए हैं, वहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। तो ये था, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे फर्नीचर कैसा है, कितना ड्यूरेबल है, एंड हर चीज़ चेक कर रहे थे। कहाँ पे आप रखो? ब्लैक एंड वाइट वाले वॉशरूम जिम वाले में। हाँ, WC के राइट साइड। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे ऐसे हर चीज़ का सेटअप बना के रखा हुआ है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है ना उसका आपने पिक्चर क्लिक करके फिर नीचे वाले फ्लोर पे लेके जाना है। लेकिन जो कॉम्बिनेशंस यहाँ बना के रखे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी इंप्रेसिव। कि अगर आपका मन नहीं भी होगा तो भी आप चाहोगे कि आपको खरीद लो। मुझे आइकिया में आर्टिफिशियल प्लांट्स और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, ये रूम सेटअप आपका खाली रूम है, आप मेजरमेंट्स परफेक्ट रखो और ये ले जा करके ऐसे का ऐसे अपने रूम में प्लेस कर दो। बात कीजिए दीपिका कक्कर और शिव इब्राहिम की, वो अपने बेबी रूम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। दीपिका का कहना है कि मैं अभी से फील कर सकती हूँ कि मेरे बेबी का रूम कैसा होगा। फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बेबी रूम देखने के लिए, और आप कितना एक्साइटेड है तो कमेंट्स में लाजमी बताएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।